हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है इवन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज की वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि आखिरकार हमें नोट्स बनाते समय, टेस्ट देते समय या एग्जाम में ऐसे कौन से पेन का इस्तेमाल करें जिससे हमें पूरे नंबर मिल पाए, किस कलर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस कलर का हमें इस्तेमाल नहीं करना। तो पेन के ऊपर हम डिटेल में चीजें बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर जरूर देना। नहीं करते तो हमें अच्छा नहीं लगता और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। हम देखते जरूर लेकिन लाइक नहीं करते, हमें पता है, तो कर दिया करो यार, हमारी भी मेहनत लगती है। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं एग्जाम में अच्छा अपना प्रेजेंटेशन लेके आना, अच्छे तरीके से लिखना, तो आपको क्या काम करना चाहिए, अच्छे तरीके से सही पेन का आप लोगों को इस्तेमाल करना है। आप लोगों को बता दें, बहुत ज़्यादा जो मोटी, जिसकी मतलब कि आगे वाला जो पार्ट होता है वो नुक, अगर पेन ही मतलब ज़्यादा बहुत मोटी है तो उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल होनी चाहिए। आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जेल पेन का इस्तेमाल टेस्ट वगैरह में या फिर अपने एग्जाम वगैरह मत करना, क्योंकि जेल पेन जो होती है ना वो चारों तरफ फैलती ज्यादा है, उसकी इंक चारों तरफ फैलती है जो कि बिल्कुल भी बेकार लगता है। अगर आप लोगों ने डायग्राम बनाया उससे तो डायग्राम आप लोगों का पूरा बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल बेकार लगता है। तो टेस्ट हो या फिर आपका एग्जाम हो तो उसमें जेल पेन का इस्तेमाल ना करके आप लोग मेरे दिमाग से यूज एंड थ्रू पेन जो होती है ना उस पेन का इस्तेमाल करना, जो कि पुरानी हो। नई पेन का आप इस्तेमाल मत करना क्योंकि नई पेन जो होती है वो ठीक से नहीं चलती, लेकिन थोड़ी सी जो पुरानी हो जाती है ना, 8-10 दिन पुरानी कोई मतलब पेन हो जाती है तो वो बहुत अच्छी तरीके से चलती है और उस पेन पर आपका हाथ जो होता है एकदम सेट होता है, आराम से आप लिख पाते हो। एक चीज का विशेष का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओ तो उस समय आप लोगों को रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना, ग्रीन पेन का, पिंक पेन का इस्तेमाल नहीं करना। आपको क्या काम करना है, ब्लैक पेन से आप हेडिंग जरूर बना सकते हैं, अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं, इतना आप लोगों को काम करना है। बाकी का जितना भी आंसर है वो आप लोगों को ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है, तो इतना जरूर करिएगा। बहुत से लोग क्या काम करते हैं, मतलब कि ग्रीन पेन से लिखकर चले आते हैं। भाई क्यों करते हो, इसका इस्तेमाल मत किया करो। आप उनको बता दें आंसर रेड पेन से लिखते हैं बहुत से बच्चे, आप मत किया करो, ये आप लोगों के लिए नहीं है। तो आपको बता दें, अगर सही से आपको नंबर चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए और अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन, तो यूज एंड थ्रू का पेन कर सकते, पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कलरफुल जो पेन है इसका इस्तेमाल आप डायग्राम्स में कर सकते हो, लेकिन थ्योरी लिखने में आप बिल्कुल भी मत करना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन से पेन का इस्तेमाल करना है और कैसे पेन का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों को वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।